हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवो की तरफ से भारत के बाजार में लॉन्च होने वाले T1 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन के बारे में। विवो कंपनी जल्द ही भारत के बाजार में T1 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन T1 Pro 5G एंड T1 44W स्मार्टफोन को भारत के बाजार में लॉन्च करने जा रहा है, और कंपनी की तरफ से दोस्तों इसे कंफर्म भी कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन दोस्तों जल्द ही ये फोन आपको भारत के बाजार में देखने को मिलने वाले है। T1 Pro 5G स्मार्टफोन दोस्तों काफी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलने वाला है, और दोस्तों इस स्मार्टफोन के लगभग सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं T1 Pro 5G स्मार्टफोन से जुड़ी सभी खबरों के बारे में, कि कंपनी इसकी प्राइस क्या रख सकती है, कौन से स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ ये फोन आपको भारत के बाजार में देखने को मिलने वाला है। इन सभी बातों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम छोटेक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं विवो T1 Pro 5G स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों यह स्मार्टफोन फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड होने वाला है, इसकी बैक प्लास्टिक की होने वाली है, इसकी फ्रेम प्लास्टिक की होने वाली है, फ्रंट में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों प्राइस के हिसाब से आपको काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। डिजाइन की दोस्तों अगर बात करें तो यह फोन आपको काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाला है। बैक साइड दोस्तों टॉप लेयर कॉर्नर पर कंपनी ने रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया है, वहां पर दोस्तों आपको 3 कैमरे की हाउसिंग मिलने वाली है। उसी के बाजू में LED फ्लैश लाइट और नीचे की तरफ दोस्तों कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ्रंट में दोस्तों कंपनी ने वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दे हुई है, और यही दोस्तों कंपनी का माइनस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जहां पर 10,000 के प्राइस पॉइंट पर आने वाले स्मार्टफोन भी पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी कंपनी को पंच होल डिस्प्ले तो देने ही चाहिए थी। फिर भी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और एक प्रीमियम डिजाइन के साथ ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर की दोस्तों अगर बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 11 विद FantasOS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मानी जाती है। तो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। डिस्प्ले की दोस्तों अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 644 इंच की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलने वाली है, जो दोस्तों फुल HD प्लस AMOLED पैनल के साथ आएगी। ये दोस्तों डिस्प्ले आपको 10:10 एस्पेक्ट रेशियो एंड 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलने वाली है, जिसका टच स्लैपिंग रेट दोस्तों 180Hz होने वाला है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको वाइड 1 L1 एंड HDR10 पर का सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है। ये डिस्प्ले दोस्तों 1300 निट की पीक ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिलने वाली है, तो इनडोर और आउटडोर दोनों साइड दोस्तों आपको विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से आपको काफी शानदार डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों कंटेंट देखने या फिर गेमिंग करने में यहाँ पर जरा सी भी शिकायत नहीं होने वाली। परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर बात करें तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इस स्मार्टफोन में Qualcomm का शानदार Snapdragon 778G 5G चिपसेट दिया हुआ है, जो दोस्तों 6 नैनोमीटर पर बना हुआ पावरफुल 5G चिपसेट है। ये चिपसेट दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट है, यहाँ पर आपको हीटिंग के इश्यू काफी कम देखने को मिलते हैं। ये चिपसेट दोस्तों आपको डे टू डे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों गेमिंग और ग्राफिक्स को संभालने के लिए कंपनी ने यहाँ पर Adreno 642L GPU दिया हुआ है, जो दोस्तों आपको काफी बेहतरीन तरीके से गेमिंग कराने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको LPDDR4X RAM एंड USB 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो काफी शानदार परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। कैमरे की दोस्तों अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको शानदार ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसका मेन कैमरा दोस्तों 64MP का होने वाला है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर दोस्तों 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर 16MP का एक शानदार कैमरा सेटअप दिया हुआ है। तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों अगर बात की जाए तो काफी शानदार कैमरा सेटअप आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। बैटरी की दोस्तों अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन को पावर प्रदान करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर 4700 की दमदार बैटरी दी है, जो दोस्तों 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी, जो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को 0 से 100% चार्ज होने में करीब आधे घंटे का टाइम लेने वाली है, और आपको दोस्तों काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप यहाँ पर मिलने वाला है। रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इधर के उधर के ऊपर के नीचे के सारे प्रकार के सेंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले है। अदर कनेक्टिविटी की दोस्तों अगर बात की जाए तो 3G 4G 5G वाईफाई GPS ब्लूटूथ एंड USB टाइप सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले है। इस स्मार्टफोन की थिकनेस दोस्तों 8.49 mm, जबकि इसका वेट 180 ग्राम होने वाला है, तो काफी स्लिम एंड थिक ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। ये फोन दोस्तों आपको भारतीय बाजार में लाइट ब्लू एंड ब्लैक
दो कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल सकता है। वेरिएंट की अगर बात की जाए तो कंपनी स्मार्टफोन को 6GB रैम एंड 128GB फास्ट स्टोरेज और 8GB रैम एंड 128GB फास्ट स्टोरेज के दो वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है, जिसके दोस्तों स्टार्टिंग वेरिएंट की कीमत भारतीय बाजार में 20,000 के आसपास रहने वाली है, जबकि स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट आपको 25,000 से कम प्राइस में भारतीय बाजार में देखने को मिल सकता है। मतलब कि दोस्तों स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट आपको 23,999 रुपए या फिर 24,999 रुपए के प्राइस पॉइंट पर भारतीय बाजार में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप वीवो के फैन और वीवो का ही 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 20,000 से 22,000 के प्राइस पॉइंट पर एक बेहतरीन डिस्प्ले, पावरफुल चिपसेट और एक शानदार कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन मिल जाता है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।